ओके चिल्ड्रन, वी आर बैक अगेन. ठीक है, हमने एक्ट तक कर लिया था. नाउ आई विल शो यू अगेन अ पिक्चर एंड यू हैव टू टेल व्हाट इन दिस पिक्चर इज गोइंग ऑन. ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी अगेन अ पिक्चर. दिस ओके, दिस इज अ फ्लाइंग बर्ड. यू कैन सी अ बर्ड इज फ्लाइंग इन दिस पिक्चर. अ बर्ड इज फ्लाइंग. तो बर्ड है सिंगल, एक ही बर्ड थी. हाउ मेनी बर्ड्स हैव यू सीन इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन? यस, देयर इज ओनली वन पिक्चर. अगर वन से ज़्यादा टू थ्री बर्ड्स फ्लाई करती होती तो हम क्या लिखते? द बर्ड्स आर फ्लाइंग. ठीक है, अभी हम सिंगल बर्ड है, यू विल राइट द बर्ड सिंगल बर्ड है तो बर्ड है ना, बर्ड नहीं. द बर्ड इज सिंगल के साथ क्या कर रही है? फ्लाई. एफ एल वाई फ्लाई एक्शन. आई एन जी लगती है साथ और आर के साथ हमेशा क्या लगता है? आर एन जी ही लगता है. अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे द बर्ड इज फ्लाइंग. बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है, द बर्ड इज फ्लाइंग. लेकिन अगर मोर देन वन बर्ड होती, सपोज टू थ्री फोर बर्ड होती, यू विल राइट द बर्ड्स. यू विल राइट द बर्ड्स. क्या लिखा है हमने चुनकर यहाँ पे? बर्ड्स. इसका एस का मतलब क्या होता है? मैनी. वट इज द मीनिंग ऑफ दिस एस? मैनी. सिंगल बर्ड, दीज आर मेनी बर्ड्स. एंड बर्ड्स के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? आ. क्या लग जाएगा? आ. यू विल से नाउ आ. तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग. फ्लाइंग का ऐसे किस रहेगा? द बर्ड्स आर फ्लाइंग. यू विल राइट द बर्ड्स आर फ्लाइंग. समझ रहे चिल्ड्रन? आपको इस कैसे लगना है? नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर वट यू आर सीइंग, देर इज अ गर्ल हु इज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड शी इज राइटिंग समथिंग. है ना, गर्ल इज राइटिंग समथिंग. यू विल राइट द गर्ल. गर्ल सिंगल है. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? ओनली वन गर्ल इज देयर. तो यू विल राइट द गर्ल इज राइटिंग. राइट करना भी एक एक्शन होता है. ठीक है, यू विल राइट ई एच ई द जी आर आर एल. गर्ल मीन्स लड़की. टी एच ई द जी आई आर एल गर्ल. द गर्ल इज, क्योंकि लड़की सिंगल है तो यू विल राइट इज. द गर्ल इज अगर मैनी गर्ल्स होती, सिंगल नहीं होती, मैनी गर्ल्स होती तो हम क्या लिखते? द गर्ल्स. मैनी गर्ल्स को हम क्या बोलते हैं? मैनी गर्ल को हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स. तो यू विल राइट द गर्ल्स आर. यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर. राइटिंग यानी इस लगता है सिंगल के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ हम आर बनाते हैं. आई विल शो यू द नेक्स्ट पिक्चर. यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय. है ना, a boy is sitting on a dining table and he has some food item. है ना, food item है. इसका मतलब वो food item से खेल रहा होगा. क्या कर रहा होगा? क्या बच्चा food item से खेल रहा होगा? No, he is eating. तो you will write the boy is eating because there is only one boy. If there are so many boys, one से ज़्यादा boy होते तो you will write the boys are eating. But there is only one boy, so you will write the th the boy boy is is not the th the boy boy is the boy is eating. eating eat करना भी action है. ठीक है, the boy is eating. boy खाना खा रहा है. now the last picture I will show you. the last picture I will show you. you can see there is again a girl and she is on bed. the girl is on bed. आपको क्या लगता है बेड पे वो क्या कर रही है? यस ऑफ कोर्स, शी इज स्लीपिंग. द गर्ल इज स्लीपिंग. सिंगल गर्ल है तो इज आई. यू विल राइट दी एच द जी आई आर एल गर्ल. आई एस इज स्लीपिंग. स्लीप करना भी एक्शन वर्ड है. एस एल ई पी आई एन जी स्लीपिंग. द गर्ल इज स्लीपिंग. यहाँ पे भी इज आ गया. द गर्ल इज स्लीपिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. कहाँ पे इस लगाना है? वेर यू हैव टू यूज आर. इज और एम दोनों साथ यूज नहीं होंगे. सिंगल चीज है, सिंगल पर्सन है, यू विल यूज इज. ही सी द बॉय द गर्ल द वुमेन, उनके साथ आप इज यूज करोगे. और आर जब मैनी है ना, वी यू यू के साथ हमेशा आर आता है. और आई का यूज सिर्फ और सिर्फ एम के साथ. आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग. Like this, we have learned short sentences using action word with ing. Thank you so much, children.
यू कैन सी द सेंटेंसेज हेयर एंड हेयर वी हैव लर्न द रूल, है ना। शॉर्ट सेंटेंसेज का हमने अभी रूल सीखा था,